हेलो, नमस्कार आप सभी को। सलाम, आशा करते हैं आप बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। और हैप्पी नागपंचमी आप सभी को। आज नागपंचमी है तो नागपंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, और खुशी खुशी अपना त्यौहार मनाइए, अपनी फैमिली के साथ रहिए, बस यही आशा करते हैं। आज हमने भी पूजा वगैरह भी कर लिया है, पीछे मंदिर दिख रहा होगा आपको, और भगवान का लाइट जला दिया है, जल चढ़ा दिया है। और चलते हैं, कुछ खाना वगैरह बनाएंगे, कुछ जो हम लोगों के यहाँ बनता है, खीर पूड़ी और सब्जी जो भी बनता है वो वही बनाएंगे। मुझे तो खाना नहीं है, मेरा तो डाइट चल रहा है, पर बच्चे हैं घर में तो उनके लिए तो बनाना ही है, भगवान जी के लिए बनाना है भोग लगाने के लिए। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आपने नागपंचमी कैसे मनाया और किस किस घर के यहाँ मनाया जाता है। हमारे यहाँ तो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है आज नागपंचमी का दिन। और आज गुड़िया पंचमी भी है, मेरी नंद का, बड़ी वाली का बर्थडे भी है, तो उनको भी विश किया सुबह सुबह। तो हम सब लोग तो नागपंचमी इसी वजह से भूलने भी नहीं पाता है उनका बर्थडे, क्योंकि ऐसे दिन पड़ता है, हाथ दर्द होने लग जाता है एक ही बार में। तो बस अभी सुबह सुबह सब वही उनको कॉल वगैरह करके फुर्सत मिली है, अब चलते हैं। हस्बैंड का भी आने का टाइम हो रहा होगा, तो खाना बनाएंगे, भोग लगाएंगे भगवान जी का, जैसा भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे क्या क्या होता है, क्या क्या करते हैं। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ मैं अब किचन में आ गई हूँ, और मैंने दूध रख दिया था उबलने के लिए, खीर बनाने को। हमारे घर में खीर सबको अच्छी लगती नहीं है, और मुझे खाना है नहीं मीठा, तो मैं थोड़ा ही बना रही हूँ। और बस एक दो बार हस्बैंड खा लेते हैं, उसके बाद नहीं खाते हैं। और साथ में मैंने खीर उधर कर दिया है दूसरे चूल्हे पे, और यहाँ पे मैं सब्जी बना रही। तो आज मैं मटर पनीर बनाऊंगी, वो मैं भी खा सकती हूँ, उसमें आलू वगैरह नहीं पड़ेगा, तो इसलिए मैं भी खा सकती हूँ, पनीर वगैरह ही रहेगा। तो बस कि मैंने प्याज उसमें पहले पेस्ट बना के छौंक दिया है उसको, और ये मैं इस तरीके से मैं मसाला को, जो मैंने अदरक और जिंजर का पेस्ट बनाया था, अभी बना के रखा था, उसी में मैं ये मसाले घोल ले रही हूँ। मेरे पापा घोल के बनाते थे मसाला, तो मुझे याद है वो इसी तरीके से बनाते हैं, तो मैंने भी ऐसे ही ट्राई किया। जब करती हूँ, जब मैं पनीर वगैरह या चना मसाला वगैरह बनाती हूँ, तो बस खीर उधर हो चुकी है, इसमें मैंने थोड़ा किशमिश भी डाल दिया है लास्ट में। मेरी दादी किशमिश सबसे बाद में डालती थी कि दूध कहीं फट ना जाए, बाकी ड्राई फ्रूट मैंने डाल दिया था पहले ही। अच्छे से ये पक चुका है, बस इसको मैं ढक के उधर कर दूंगी। मसाला भी मेरा होने वाला है, बस मसाले को डालूंगी और बस पनीर रेडी हो जाएगा। पनीर वगैरह की रेसिपी मैंने बाद में भी पहले शेयर करी थी, तो ऐसा कुछ है नहीं कि पनीर वगैरह, तो बहुत रेसिपी है पनीर की। नॉर्मल सिंपल सा लंच बना रही हूँ, और सब पक्का खाना ही बनेगा आज, कच्चा खाना कुछ नहीं बनेगा, बस भगवान जी को भोग लगाना था। बच्चों के लिए, फैमिली के लिए तो बनाना ही है, भले मुझे नहीं खाना है लेकिन फैमिली में और लोग तो खाने वाले हैं ही हैं। बस सारा मसाला मैंने घोल के इसमें डाल दिया है, मसाले को अच्छी तरीके से चला के ढक दूंगी पकने के लिए। जब मसाला अच्छे तरीके से पक जाएगा, इसमें मटर डाल दूंगी, सबसे लास्ट में पनीर डाल दूंगी, और खुला ही इसको बनाऊंगी मैं बंद सीटी वगैरह लगा के नहीं बनाऊंगी प्रेशर में। मसाला हो चुका है ये, देखिए सब कुछ, सारा तेल ऊपर आ गया है इसका, जो भी मैंने, ज़्यादा तेल नहीं डाला था, थोड़ा ही डाला था। और ये फ्रोज़न मटर है,
आपके यहाँ फ्रेश हो तो फ्रेश आम डाल सकते हो, मेरे यहाँ फ्रोज़न हमेशा मैं रखती हूँ फ्रिज में, तो बस फ्रोज़न डाल के ही बनाते हैं। यहाँ पे फ्रेश मटर तो नहीं आता है और जलने ना पाए इसलिए थोड़ा मैंने अभी पानी डाल दिया है, और इतना ही ग्रेवी रखूँगी, ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखूँगी, और इसको ढक कर रख देंगे, पकने देंगे। मेन ऑयल मेरा ये आटा है, ये बाजरे और गेहूं का आटा है। 1 कप मैंने बाजरे का लिया है आटा, 1 कप गेहूं का आटा लिया है, और सबके लिए मैंने पूरी का आटा बना के रखा है गेहूं का, वो मल्टीग्रेन आटा है, उसका मैं पूरी उन लोगों का बना दूंगी, बच्चों का, हस्बैंड का, भगवान जी का, सबका। उसके बाद मैं अपने लिए 2 रोटी इसमें का बना लूँगी। इसमें मैंने बाजरे के आटे में थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा इसमें कसूरी मेथी मिलाया है, पालक भी मिला के बनाती हूँ कभी कभी, अब कॉर्डो मिला के मैं बना देती हूँ, जिसको मक्खन फल कहते हैं इंडिया में। बस यहाँ पूरियाँ बना लूँगी, अकेले ही बनाना है पूरियाँ, तो पहले मैं पूरियों को बेल के रख लूँगी। किचन में कोई हेल्प वाला होता नहीं है, तो पूरी वगैरह अगर आप बेल के रख लो तो आसानी हो जाता है जब एक लोग काम करने वाले होते हैं। तो बस यहाँ जल्दी जल्दी मैंने पूरियों का सारा लोई बना लिया है, छोटी छोटी गोलियों बना के रख लिया है, अब पूरियाँ बेल लूँगी। और अब यहाँ प्रियंका भी आ गई हैं, प्यार आ रहा है इनको, और पूछ रही थी मम्मी ये छोटी रोटी पूरी क्यों बनाया है, तो मैंने बताया उसको कि जब पूरी वगैरह बनाते हैं तो थोड़ा सा एक छोटा सा बना के अग्नि देवता को चढ़ा देते हैं, तो समझ गई, फिर समझ के गई गार्डन में खेलने। उसके पापा वहाँ पे ग्रास वगैरह काट रहे हैं, घास घास जो है बहुत बड़ी बड़ी हो गई थी, तो बस वो ड्यूटी से आ गए हैं और गार्डनिंग कर रहे हैं बाहर, और खाना भी मेरा यहाँ बन चुका है, बस मैं भोग लगा दूँगी भगवान जी को, उसके बाद फिर बच्चों को खाना दूँगी, फिर अपना रोटी बनाऊँगी मैं बाद में।
और यहाँ मैं खीर पूरी भगवान को भोग लगा दूंगी, सब्जी का नहीं लगाऊंगी क्योंकि उसमें लहसुन प्याज पड़ा हुआ है, बस खीर पूरी ही लगाऊंगी। चलिए फिर आपसे मिलते हैं। और उस दिन जो मैंने गुलाब की पत्तियाँ सुखो के रखी थी, ये वो मैं तुलसी की जगह यही डाल दूंगी। चलो यहाँ बेटे को खाना खिला दूँ, क्योंकि मैं जब तक उसे खिलाने नहीं जाऊँगी, आप देख सकते हो वो बाहर लेकर टेबल पे बैठा हुआ है, तो उसको खाना खिला देती हूँ। उसके बाद फिर हम लोग खाएंगे। अभी मुझे अपनी रोटी भी बनानी है, तो अभी पापा भी उसके जो है रेडी नहीं है खाने के लिए, तो हम दोनों लोग साथ में खाएंगे। और बच्चों को दे दिया है खाने को पहले ही। चलो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो यही थी, और अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि कुछ आपको इस और हमारे वीडियो में चाहिए देखने को, तो मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। और जैसा जैसा आगे मेरी लाइफ में होगा आपके साथ शेयर करूँगी, कोशिश करती हूँ मैं शेयर करने की जो भी मुझे मिलता है। बट कुछ चीज़ें हैं जो कभी कभी नहीं हो पाती हैं, और हर जगह मैं कैमरा लेकर नहीं जा पाती हूँ, हर जगह की शूटिंग नहीं अच्छी लगती कि सब कोई किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे कैमरे के सामने, हर कोई नहीं आना चाहता है। बट नॉर्मली मैं मेरे घर का जो भी है, जिसके लिए मैं इंडिपेंडेंट हूँ और मुझे फेथ है कि नहीं ये मेरा है, तो मैं शेयर करती हूँ आपसे। और हॉस्पिटल वगैरह का जो होता है मैं वहाँ नहीं दिखा सकती। बाकी मेरा जो मैंने अब तक बेबी का सारा कुछ लिया है, और उसके उसका भी आपको शायद शेयर करना है मुझे, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा है कि उसकी वीडियो बना पाऊँ। चलिए फिर आपसे मिलती हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपने माता पिता ख्याल रखिएगा। बाय बाय, सी यू लेटर।